Yo, what's up everyone, it's your boy Plechumal. Welcome back to my reaction channel, guys. कैसे हैं आप सब? Close your eyes. भाई साहब, एक और रिप्लाई यंग गालिब के साइड से फायर 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 आ गया है। गाने का नाम है बबली। अब ये बबली कौन हो सकती है? क्या ये लड़कीबाजी वाला मामला हो गया? लड़की को खींच के, किसी इंसान को खींच के, किसी और इंसान को जो बीफ के बाहर है उसको खींचने की कोशिश करी गई है यंग गालिब की साइड से? अब ये तो सुन के पता चलेगा, क्योंकि बंटा रिकॉर्ड्स के साइड से गाना है, यंग गालिब के ऑफिशियल चैनल के ऊपर गाना ये नहीं है, बंटा रिकॉर्ड से गाना है। एंड इस गाने के एंड में लिखा हुआ है एक्सप्लिसिट। एक और चीज जो नोटिस करने वाली है वो है म्यूजिक बाय गौर ऑशन। पहली बार मैंने इसके बारे में सुना है, पहली बार इसका नाम सुना है, तो भाई के काम भी चेक करेंगे। एंड मिक्स एंड मास्टर्ड बाय मी मैक्स। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको सुनते हैं, क्योंकि वीडियो का जो थंबनेल है वो देख के लग रहा है कि बहुत आफत होने वाला है। अब यंग गालिब की बातें भी आफत होती हैं, अक्सर अक्सर ऐसा होता है, ये तो नहीं बोलेंगे हर समय, बट अक्सर अक्सर ऐसा होता है कि उसकी बातें बहुत ही भारी साउंड करती हैं। अब जैसे कि लास्ट ट्रैक में कर्म भाई ने इतनी खतरनाक ली है, इतनी खतरनाक बातें करी हैं, नेक्स्ट लेवल भाई, मतलब भाई क्या बोले यार हम। भाई वो गाना तो मेरे लिए विन विन था, कुछ भी बोलो, तुम मानो ना मानो, मेरे लिए वो गाना विन विन था। तुम्हारे लिए था कि नहीं, ये अभी पॉज करके कमेंट में बताओ। एंड इस गाने पर अपना रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, यंग गालिब का बबली। तो बहुत ही फनी नेम है एक तरीके से। अब ये पता नहीं किस बारे में, किस चीज़ से रिलेटेड एंड किसके किसको बीच में घसीटा जा रहा है, ये तो एंड में पता चलेगा गाना सुन के। तो सुनते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, बट अगर तुम चैनल पर नए हो तो अभी से वक्त पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो राइट नाउ, क्योंकि मैं डेली रिएक्शन वीडियोज यहाँ पे डालता रहता हूँ। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, मज़े आएंगे, एंड तक देखेंगे, पूरा एंजॉय करेंगे, एक एक चीज़ को ब्रेक डाउन करके सुनेंगे, समझेंगे, जितना पकड़ पाएंगे पकड़ेंगे, वरना तुम लोग कॉमेंट में बता देना। तो गानों के बारे में लगा चुका हूँ, वीडियो पर अपने रिएक्शन स्टार्ट करते हैं विद इन 3, 2, 1, लेट्स Go, baby. क्या बातें होने वाली यंग गालिब के साइड से? क्या 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 विन विन वाला मोड होने वाला है, या एल पकड़ने वाला है, क्या होने वाला है? मेरे ख्याल से तो भाई अब ये बातें ऑल इन करके ले आएगा, फुल फाड़ने वाला है, बट हो सकता है कि वो बातें किस तरीके से प्रेजेंट करे इस पर भी मायने रखता है। तो सुनते हैं कि डब्ल्यू मिलने वाला है इस गाने के एंड में या एल मिलने वाला है। सिक बीट है भाई, क्या सिक बीट है भाई। कैसा तेरे पास नहीं स्टूडियो, तभी दिया रफ्तार ने जगा, तू सितारा तो चमका क्यों नहीं, क्यों दिया तुझे कलमकार ने भगा, हम खाते पीते घर से बोए। कर्मा भाई ने लास्ट ट्रैक में इस चीज का रिप्लाई दे दिया है कि मैं भगाया नहीं गया हूँ, मुझे निकाला नहीं गया है, मैंने खुद छोड़ा है, ऐसा बोला है कर्मा ने। कैसा तेरे पास नहीं स्टूडियो, तभी दिया रफ्तार। हाँ, स्टूडियो तो नहीं है कर्मा के पास खुद का, लेकिन इन लोग के पास हो गया वंटा रिकॉर्ड्स का, लेकिन यंग गालिब के पास भी नहीं खुद का स्टूडियो की हो गया है, बताओ जरा ये चीजों में। कैसा तेरे पास नहीं स्टूडियो, तभी दिया रफ्तार ने जगा, तू सितारा तो चमका क्यों नहीं, क्यों दिया तुझे कलमकार ने भगा, हम खाते पीते घर से बोए, मैं भैया के घर नहीं पला, पूरा डीएचएच फैक्ट्री जानता, पूरा परिवार बंटाई के नाम से चला। हाँ, इसको बोलते असल बीफ, इसको बोलते असल गला। क्या बचकाने ऐसा बचते इधर ड्रिल पे भेजे पे नहीं, अब दूंगा मैं दिल पे, पलटेगी कार नहीं पलटेगा बार, कभी भी आ जाना बाबा तो स्किल्स पे हल्के में, पलटेगी कार नहीं पलटेगा बार, फुल रिप्लाई बाजी चल रही है यहाँ पे। नहीं अब दूंगा मैं दिल पे, पलटेगी कार नहीं पलटेगा बार, कभी भी आ जाना बाबा तो स्किल्स पे हल्के में, लेगा तू ये तेरी भूल है, पैरों के नीचे तू पैरों का धूल है, शेडी की राइम्स की मेरे को सिखाएगा, शेडी की राइम्स की मेरे को सिखाएगा, मैं लेगा तू ये तेरी पकड़ लिया बॉय ने, भूल है पैरों के नीचे तू पैरों का धूल है, शेडी की राइम्स की मेरे को सिखाएगा, हाँ मेरे हुड में हिप हॉप का स्कूल है, पहाड़ी कुत्ता नहीं सकता दहाड़ बे झोपड़पट, पहाड़ी कुत्ता कि मेरे को सिखाएगा, हाँ मेरे हुड में हिप हॉप का स्कूल है, पहाड़ी कुत्ता नहीं सकता दहाड़ बे झोपड़पट्टी नहीं तू है पहाड़ से, झोपड़पट्टी का लड़का जो लेने पे आया तो संन्यास ले लेगा पहाड़ पे, अपन है शेर है प्यासे है खून के, घुसेंगे धुन पे मारेंगे धुन के, मुझे चलते दिखेगा रेड कारपेट पे, मेहनत की कमाई तभी भार पेट, ये तू स्टार नहीं तू चौकीदार है, तुझ जैसे 10 मेरे बिल्डिंग के बाहर बैठे।
मैं तभी भार पेटी है, तू स्टार नहीं तू चौकीदार है, तू स्टार नहीं चौकीदार है भाई। थोड़ा सा पीछे करके फिर से सुनता है। पीछे तू पैरों का धूल है, शेडी की राइम्स की मेरे को सिखाएगा। हाँ मेरे हुड में हिप हॉप का स्कूल है, पहाड़ी कुत्ता नहीं सकता दहाड़ बे, झोपड़पट्टी नहीं तू है पहाड़ से, झोपड़पट्टी का लड़का जो लेने पे आया तो संन्यास ले लेगा पहाड़ पे। अपन है शेर है प्यासे है खून के, घुसेंगे धुन पे मारेंगे धुन के, मुझे चलते देखेगा रेड कार्पेट पे, मेहनत की कमाई तभी भार पेटी है, तू स्टार नहीं तू चौकीदार है, तुझे से दस मेरे बिल्डिंग के बाहर बैठते सबसे बाहर कहाँ बैठते जरा दिखा देना अगले गाने में। कमाई तभी बाहर पेटी है, तू स्टार नहीं तू चौकीदार है, तुझे से दस मेरे बिल्डिंग के बाहर बैठते सब सीढ़ी हम कर सकते पार बे, सब सीढ़ी नहीं चाहिए अरे, तुझे से दस मेरे बिल्डिंग के बाहर बैठते सब सीढ़ी हम कर सकते पार बे, सब सीढ़ी नहीं चाहिए आधार पे, बंटी नहीं बचकाने बंटा है बुला, फिर तू भी ले सकता है कार बे, चार फेका कौन ये आधार पे, बंटी नहीं बचकाने बंटा है बुला, फिर तू भी ले सकता बंटी नहीं बचकाने बंटा है बोला, फिर तू भी ले सकता है कार पे। मतलब कहने का मकसद यह है कि तुम बंटी घंटी ज्यादा कम ना करो, ठीक है, बंटा है बोलो, बंटा रिकॉर्ड्स में आ जाओ, फिर तुम कार ले लोगे तुम भी मेरे तरह। सकते पार पे सब सीढ़ी नहीं चाहिए आधार पे, बंटी नहीं बचकाने बंटा है बुला, फिर तू भी ले सकता है कार पे, चार फेक अकाउंट बना के ट्विटर पे, हकले को लग रेला हाइप पे। बोल दिया यहाँ पे, देखो इसने सामने से बोल दिया, बिल्कुल क्लियरली बोल दिया भाई, इसको हकला भकले हकला वाली बातें होने वाली यहाँ पे, क्योंकि इसने इसने पहले ट्रैक्स में कुछ ऐसे तरीके के बोला है यंग गालिब ने कि उसको हकला हकला बोला गया है यहाँ पे, एंड कर्मा ने यहाँ पे लास्ट ट्रैक में ऐसे बोला, वो खमीरी और यीस्ट वाली जो लाइन थी वो बहुत ही किलिंग लाइन थी भाई, वो बार बहुत क्रेजी वार था, वो बहुत ही क्रेजी वार था, वो उसी का रिप्लाई देते हुए। कमाई तभी बाहर पेटी है, तू स्टार नहीं तू चौकीदार है, तुझे से दस मेरे बिल्डिंग के बाहर बैठे सब सीढ़ी हम कर सकते पार बे, सब सीढ़ी नहीं चाहिए आधार पे, बंटी नहीं बचकाने बंटा है बुला, फिर तू भी ले सकता है कार बे, चार फेक अकाउंट बना के ट्विटर पे, हकले को लग रेला हाइप पे, कम बक तू है डम फक, बस इतने से फिल्म के तू लायक है, तू लेबल का फेंका हुआ कचरा, हाउ यू फीलिंग लिविंग इन अ डंपस्टर, सामने से आया तो कैसे मैं जाने दूं, अबे लेगा तुझे ये यंगस्टर, बबली का ले रहा मजा मैं अपने आप को एज अ यंगस्टर बताते हुए, कह रहा है मैं नहीं जानता किसी और को, अपन यंगस्टर है, मैं पेलेगा तेरे को, बस इतने से फिल्म के तू लायक है, तू लेबल का फेंका हुआ कचरा, हाउ यू फीलिंग लिविंग इन अ डस्ट, सामने से आया तो कैसे मैं जाने दूं, अब पेलेगा तुझे ये यंगस्टर, बबली का ले रहा मजा मैं, फ्री फ्री बबली को दे रही मजा है, फ्री बबली कौन है, बबली कौन है यहाँ पे, ले रहा मजा मैं, फ्री फ्री बबली को दे रही मजा है, फ्री फ्री मालूम ना रेट इसका क्या है, फ्री फ्री राखी के घर में बल्ला ये, राखी एज इन रफ्तार, मालूम ना रेट इसका क्या है, फ्री खींच लेते हैं कुछ हो ना हो, बीफ की इधर उधर की बातें हो, इधर उधर को घर वाले और कौन साथ में है और कौन अलाइन है और कौन लेबल्स है, कौन साथ में है, दोस्त यार भाई बहन नौकर चाकर सबका पकड़ के इधर आओ, तुम बीफ में कहाँ जा रहे हो, बीफ में आओ तुम पहले, देरी मजा है, फ्री फ्री मालूम ना रेट इसका क्या है, हमें कुछ बताओ ना, बताओ हमें ये बताओ बबली कौन है, बबली कौन है ये कमेंट करके बताओ, बबली को देरी मजा है, फ्री फ्री मालूम ना रेट इसका क्या है, फ्री फ्री राखी के घर में बल्ला ये, फ्री फ्री बबली को देरी मजा है, अभी तो पिक्चर बाकी है बबली, तेरी लेने के लिए तैयार था, जैसा मोन बीफ मोन कोलेस्ट्रॉल खत्म कोलेस्ट्रॉल वाले, अब बैठो और डस्ट हो, तेरे भैया से मिली है सीख ब्रो, खत्म छोले स्टॉल वाले, अब बैठो और डस्ट हो, तेरे भैया से मिली है सीख ब्रो, आगे बढ़ने का यही है चीट कोड, एक नंबर अंग्रेजी, मतलब रफ्तार से ये मुझे सीख मिली कि आगे बढ़ना हो तो डिस्ट्रैक्ट निकाल दो, तेरे भैया से मिली है सीख ब्रो, आगे बढ़ने का यही है चीट कोड, एक नंबर अंग्रेजी तेरी, रोक अभी पुरस्कार देता हूं देखो ले, खुदा का खौफ है सीने में बंबई या जिगर तो दुनिया का डर क्यों, भिड़ने पे आती तो जानती जनता हिप हॉप में लग जाता कर्फ्यू, घोड़े जो अपने को गायब कर डाले ना गलती से आना नजर तू, कूलर की जरूरत नहीं घर पे दो एसी मैं जब चाहूँ मौसम बदल, तेरे भैया को बोल के थैंक यू बोले, चलो छोटा फ्लेक्स लेकिन फ्लेक्स, कूलर की बात हो रही ले, कूलर की हवा तेरे तरफ कर देता हूँ, तू भी थोड़ा स्मोक ले ले, तू भी थोड़ा फ्लो ले ले, थोड़ी तू भी थोड़ा वो ले ले, हवा ले ले, हवाबाजी ले ले मेरे साथ में थोड़ा, तू भी मेरी हवा के मेरे नाम के चक्कर में तुम भी थोड़ा सा ऊपर हो लो, घोड़े जो अपने को गायब कर डाले ना गलती से आना नजर तू, कूलर की जरूरत नहीं घर पे दो एसी मैं जब चाहूँ मौसम बदल, तेरे भैया को बोल के थैंक यू बोले, शिक्षित से आया हिप हॉप में, समझ में आया जब भैया ने डिस किया क्योंकि
जैसे कि हमें नई बात बोली थी कि तुम गाने बनाते हो कमर्शियल हिप हॉप को, अब हमने संभाला हिप हॉप को, हमने संभाला, ऐसा हमें भी बोलता है, ठीक है, ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा एमवी बोलता है। उसके बावजूद भी ये चीज उसी चीज को लाइन देते हुए बोला है कि शेख चिल्ली से तुम्हारे भैया हिप हॉप में आए, उससे पहले तुम्हारे भैया हिप हॉप नहीं कर रहे थे। लाइन को मैं नहीं मानता हूँ बिल्कुल भी, ये गलत है लाइन बिल्कुल। थैंक यू बोले शेख चिल्ली से आया हिप हॉप में, समझ में आया जब भैया ने डिस किया क्योंकि पहले से बन टाई है टॉप पे। यू गॉट डेविल्स बैक, मेरे पे खुदा का हाथ है, ढस नहीं पाए जो आए ले साफ, जो साथ वाले साथ रह के। बहुत बढ़िया लाइन भाई, यू गॉट डेविल्स बैक, मेरे पास खुदा का हाथ है। यू गॉट डेविल्स बैक, मेरे पे खुदा का हाथ है, ढस नहीं पाए जो आए ले साफ, जो साथ वाले साथ रह के करे ले घात, उनका ऊपर ही होगा हिसाब बे। अच्छा ये उस बार का लाइन है कि मेरे पास कॉल आया कि भाई क्या गूगल पे पे तुमने ऐसा बोला था उसने, तो उसको बोला जा रहा है उसके ऊपर। किसी का नाम नहीं लिया गया अभी कि कौन है, इसको भी पता है कौन है शायद। किया क्योंकि पहले से बन टाई है टॉप पे। यू गॉट डेविल्स बैक, मेरे पे खुदा का हाथ है, ढस नहीं पाए जो आए ले साफ, जो साथ वाले साथ रह के करे ले घात, उनका ऊपर ही होगा हिसाब बे। मेरा हुड बाबा पहले से कौन था, विजन है लॉन्ग टर्म, बसा ने रॉन्ग टर्न, पता ना कौन था, एनिमीज बहुत है, मेरे एनिमीज बहुत है, मिलेगा भिड़ेगा मेरे से तो जगह पे मौत है। मेरे तेरे एनिमीज बहुत है, मेरे एनिमीज बॉट है, मतलब बोल दिया भाई, कृष्णा को ले लिया, रफ्तार को ले लिया, कलमकार को ले लिया, गर्मा को ले लिया, सबको साफ साफ बोल दिया कि तुम सब बॉट हो। लॉन्ग टर्म बसाने रॉन्ग टर्न, पता ना कौन एनिमीज बहुत है, मेरे एनिमीज बहुत है, मिलेगा भिड़ेगा मेरे से तो जगह पे मौत है। लाइन हो गई ये क्रॉस, ये जोश में कभी नहीं पहुंचेगा शाहरुख के पोच में, ये विवेक का करियर ये सलमान ही खाएगा, अकेला तेरे लिए बहुत मैं। देखो ले ली भाई जबरदस्ती के विवेक, मार ली भाई तुमने यार, बहुत ही शिट है भाई ये यार, ये लोग भाई नहीं मानते यार। सलमान भाई को ले आया, बताइए शाहरुख की बात कर रहे थे, एमवी भाई की बात करते करते सलमान भाई को ले आया, सलमान भाई को लाते ही लाते विवेक के बीच में ठोक दी, क्या जरूरत थी विवेक की ठोकने की, विवेक ओबराय की ठोकने की क्या जरूरत थी यहाँ पर, लेकिन ठोक दी। बहुत है मेरे एनिमीज बहुत है, मिलेगा भिड़ेगा मेरे से तो जगह पे मौत है। लाइन हो गई ये क्रॉस, ये जोश में कभी नहीं पहुंचेगा शाहरुख के पोच में, ये विवेक का करियर ये सलमान ही खाएगा, अकेला तेरे लिए बहुत मैं। देखो विवेक का करियर, अरे भाई विवेक तो कर्मा भाई का भी नाम है, इसीलिए तो ये लाइन ली गई। ओ गुड वन है मेरे, शाहरुख के पोच में, ये विवेक का करियर ये सलमान ही खाएगा, अकेला तेरे लिए बहुत मैं। देखो मालूम नहीं क्या मेरे अंदर की खूबी, मैं सीन में कीमती जैसे मैं रूबी, आई वांट टू स्मोक, मैं फूकता नहीं डूबी, मैं फूकने पे आया तो जलेगा तू भी, वीडियो में आंखें लाल लग रही, काउंटर नहीं दे रहा क्या गांड फट रही, लौड़ा लसन वाली बात किया इससे पता चला यहाँ पे कौन छपरी, चिल्लर उठा के हम पिल्लर बना देते, अच्छे अच्छे की हम फिल्म बना देते, लेवल से निकल के डिस नहीं करता, बीआर में आ जाता करियर बना देते। अभी देखो एक चीज तो हम कहेंगे बहुत ही क्लियरली, ये जो डिस्ट्रैक्ट की बात हो रही है, अब कर्मा अगर जिस तरीके से हाइप यहाँ पे उठाने वाला है वो डिस्ट्रैक्ट से ही होने वाला है, वो डिस्ट्रैक्ट साफ, क्योंकि भाई डिस्ट्रैक्ट ही निकाले हैं, और डिस्ट्रैक्ट की वजह से ही जो इस टाइम पे हाइप बन रही है वो कर्मा की डिस्ट्रैक्ट से ही आ रही है, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते हो, ये बात सच है बिल्कुल। मैं आंखें लाल लग रही, काउंटर नहीं दे रहा क्या गांड फट रही, लौड़ा लसन वाली बात किया इससे पता चला यहाँ पे कौन छपरी, चिल्लर उठा के हम पिल्लर बना देते, अच्छे अच्छे की हम फिल्म बना देते, लेवल से निकल के डिस नहीं करता, बीआर में आ जाता करियर बना देते। अभी अमन तेरी लेंगे हम, क्यों जा रहा मैदान छोड़ के, नई गांड में दम, अभी तो जस्ट शुरू है जंग, ये बीफ नहीं एक तरफा, सो आई एम नॉट डन, कैसा गर्मा है वे जो तू वापस नहीं आएगा, और अगली बार आएगा तो काउंटर लेके आना, समझा गया पब्ले। चलो साफ साफ बात मुद्दे की यहाँ पे ये है कि मेरे हिसाब से यंग गाली ने जो बबली ट्रैक निकाला अच्छा ट्रैक है, लेकिन मुझे एक बात तो नहीं समझ में आई, वो बबली कौन है, बबली की बात हुई, बबली के रेट्स की बात हुई, मतलब बबली को एज अ प्रोस्टिट्यूट यहाँ पे बोल दिया गया, ऐसा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ बिल्कुल भी, ना मेरा दिल का कोई वो है, ना मैं इस वर्ड को प्रॉपरली लेना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरीके से इस चीज़ को आगे रखा गया है मेरे हिसाब से उसी तरीके से गया। लेकिन यार देखो फैमिली इन्वॉल्व है कि नहीं ये तो नहीं पता, जब तक बबली नहीं पता चलेगा तब तक कौन है ये, मैं इस बात पे अपना थोड़ा हाथ पीछे लेता हूँ, लेकिन अच्छे तरीके से बहुत प्यार तरीके से ड्रेस बनाया गया है, छोटी छोटी बातों का ऑलमोस्ट हर चीज़ का काउंटर दिया गया है यहाँ पे, सब बातों का रिप्लाई किया गया, चाहे वो इसके रिगार्डिंग वो कोलेस्ट्रॉल वाली बात हो या इस सब चीज़ों से रिलेटेड बात हो, हर एक चीज़ का रिप्लाई दिया गया, मतलब काउंटर्स भी दिए गए और फैक्ट्स पर भी बात हुई है, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे यंग गाले की, कुछ भी छोड़ा नहीं भाई, एक एक बात पर रिप्लाई दिया, तो काफ़ी अच्छा ट्रैक था, बीट बहुत अच्छी बनाई, अप्रिशिएट करता हूँ उस इंसान को जिसने बीट बनाई है, बिग लव शाउट आउट भाई, बहुत अच्छा गाना है। और ये ट्रैक कितने घंटे में आया ये भी बताओ मुझे, एंड दोनों ही आर्टिस्ट अगर बीफ को साइड रखते हुए अगर बताएं तो कर्मा और ये
दोनों ही गाने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। बट मेरा मानना जो ये है, जो मुझे ऐसा लगा, गाना ये भी बहुत अच्छा था, गाना वो भी अच्छा था, लेकिन जो कर्मा ने ट्रैक निकाला था ना, वो थोड़ा ऊपर उठता हुआ हमको लग रहा था। पता नहीं क्यों अभी भी हमको कुछ तो कमी ऐसी महसूस होती, बहुत अच्छा ट्रैक बनाया, कुछ कमी नहीं है, एक एक चीज़ बार एक एक चीज़ बहुत ही क्रेजी बनाई, थोड़ा सा नीचे सा रह गया, मतलब बिल्कुल यहाँ पे है, बिल्कुल मतलब होता नहीं है 19-20 का जो फर्क नहीं होता, बिल्कुल वो वाला मामला चल रहा है दोनों के बीच में। ना इसको हम बोलेंगे बहुत आगे बढ़ गया, ना इसको हम बोलेंगे बहुत आगे बढ़ गया, बिल्कुल अभी दोनों के साइड से बिल्कुल 19-20 वाला मामला चल रहा है। तो काफ़ी देर से ट्राई किया भाई, अब देखते हैं कर्मा भाई ने रिप्लाई करा है कि नहीं करा है, जाके चेकआउट करते हैं हम, फिर उसको तुम्हारे लिए रिएक्शन बनाते हैं, देखते हैं। बट एक चीज़ कर दो मेरी जान, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम लोग को साथ में देखता हूँ, तुम लोग के साथ में गाना बना रहा हूँ, रिएक्शन दे रहा हूँ, मेहनत लगती है, तो साथ में हमें भी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, हर एक चीज़ कमेंट करके बताओ, एंड ऐसे रिएक्शन वीडियोस हमारे लिए आते रहेंगे। तो ये था मेरा रिएक्शन बबली के ऊपर, आई होप तुम लोगों को पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, मिलता तुमसे किसी और दिन ऐसे ही अमेजिंग रिएक्शन वीडियो के साथ, टिल देन बाय।